नबियों में सबसे आला, अरे रुतबा मेरे नबी कुरान पढ़ रहा है, अरे खुतबा मेरे नबी खुतबा मेरे नबी आप लोग ये बताइए आला हजरत को कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। लेकिन आला हजरत अपने कलम से खुद लिखते हैं इस बात को, सुने क्या सल्ले अला शफात पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं, शफात पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं, शफात पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। कहना है कि सरे महशर मेरे इस क्या के जब दफ्तर निकलते हैं, तो शफात पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। और लुआबे हजरत अहमद का ये एजाज देखा है, अली बीमार आए फाताए खैबर निकलते हैं, और मदीने मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं। तो और सल्ले अला बहुत सारा सरकारी मदीना का सदका नायत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे।
आपकी उम्र में बरकत करे मौला हज्जे बैतुल्लाह का दीदार। अभी तो हो चुका है, अब और कई बार हो, लेकिन आमीन। लेकिन देता है रब ताला सरकार बाबू में, देता है रब ताला सरकार बाबू में, खाता है सारा आलम, खाता है सारा आलम। अरे सदका मेरे नबी, आलम सदका मेरे नबी। और हमारी माँ बहने भी सुने, और अगर वक्त मिला तो मेरे उस्ताद हाजी आरिफ साहब हैं, तस्लीम आरिफ साहब, उनकी कॉपी के साथ एक वाक्य पेश करूंगा, मासूम अली असगर की शहादत, जो मेरा कैसेट यूट्यूब पे श्री इस्लामिक दिल्ली रिलीज हो चुका है, आपको सुनाऊंगा बाद में इंशाल्लाह। लेकिन खाता है सारा आलम सदका मेरे नबी का, सुने चाचा जी। जमाने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए, भाईजान थोड़ा लाउड कर दो माइक को, माशाल्लाह अच्छा बोल रहा है लेकिन पी रहा है आवाज को, थोड़ा रिदम की आवाज कम कर दो, मेरी आवाज भी खोल दो, क्योंकि रात मेरा प्रोग्राम कानपुर में था, मैं सीधा वहीं से चला रहा हूँ भाई, लेकिन थोड़ी लाउड कर दो हमारे स्पीकर में, मॉनिटर में, थोड़ा समझ में आना चाहिए पब्लिक। हेलो हेलो हेलो, बाहर निकालो आवाज, अंदर आ रही है। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या माशाल्लाह अच्छा बोल रहा है साहब। सुने कहना है कि जमाने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए, चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। और बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूदे पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। बख्शिश को जब हमारी आएंगे मेरे आका, 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 बख्शिश को जब हमारी, बख्शिश को जब हमारी आएंगे मेरे आका।
जलवा मेरे नबी का, अल्लाह जलवा मेरे नबी का, मैं दुश्मन जो है नबी के मिट जाएंगे यकीन, दुश्मन है जो नबी के मिट जाएंगे यकीन, दुश्मन है जो नबी के मिट जाएंगे यकीन, दुश्मन जो है नबी के, दुश्मन जो है नबी के मिट जाएंगे यकीनन, लेकिन न मिट सकेगा, लेकिन न मिट सके, अरे चर्चा मेरे मुझसे पूछते हो रुतबा मेरे नबी का, क्या 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 मुझसे पूछते हो रुतबा मेरे नबी का, मुझसे पूछते हो रुतबा मेरे नबी का, क्या मुझसे पूछते हो रुतबा तलवा मेरे नबी, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, ऐसा रुतबा है नफीस बदायूनी, शकील बदायूनी के भतीजे साहब हैं, उन्होंने ये शेर लिखा है। नफीस बदायूनी मरहूम, जिन्होंने एक शेर पढ़ दिया था तो उन्हें उमरा शरीफ कराया था एक सेठ ने, और वो क्या कहते हैं लॉकडाउन में आप इंतकाल फरमा गए, लेकिन सुने नफीस बदायूनी क्या कहते हैं। सुने और हमारे डॉक्टर नासिर कादरी, जमील अहमद कुरैशी मेंबर साहब, हाजी शमशाद अलवी साहब और इरफान मेंबर भूरे कुरैशी जनेटा वाले, उस्मान जेसीबी, पप्पू सैफी घड़ी वाले, डॉक्टर फरदीन साहब, सुने कैसे ऐसा रुतबा है नबी का, कैसे ऐसे?
सुन लो नमाज अशर का, सुन लो नमाज अशर का मशहूर वाकया, सुन लो नमाज अशर का मशहूर वाकया, सुन लो नमाज अशर का मशहूर वाकया, सुन लो, सुन लो नमाज अशर का मशहूर वाकया, सुन लो नमाज अशर का मशहूर वाकया। हजरत हजरत अली ने सोचा नमाज अब हुई, हजरत अली ने सोचा नमाज अब हुई कज़ा, हजरत अली ने सोचा नमाज अब हुई कज़ा। आंसू अली का आपके चेहरे पे जब गिरा, आंसू नबी का आपके चेहरे पे जब गिरा, आंसू नबी का आपके चेहरे पे जब गिरा, सूरज को एक इशारा किया और बुला लिया, ऐसा रुतबा है नबी का। ऐसा रुतबा है नबी का कैसा, सुने वाकया एक सुने इस तरफ ध्यान तो दो, मक्के में एक बशर का हराम था जिनका उमर थे वो बेबाक यानी जाना पिता, उनसे जुर्रत में मरा कोई मक्के में ना था, जोर जब जब हका बारा बातिल का चला, लेके तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर, लेके तलवार उमर पहुंचे सरकार के घर। समईन ये उस वक्त का माजरा है जब हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने सोचा ऐसा कौन अल्लाह का नबी है जो जिधर सरकार मदीना जाते हैं लोग उनके हो जाते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो उनका सर कलम कर दूंगा माजल्ला। लेकिन नबी के दरबार में जब जाते हैं तो हजरत उमर की क्या हालत होती है, समय समाप्त करें। वाकया एक इस तरफ ध्यान दो, मक्के में एक बशर नाम था जिनका उमर थे वो बेबाक यानी चालाक, उनसे जुर्रत में बड़ा कोई मक्के में ना था, जोर जब हंसा बड़ा बातिल का बाहर से थी जो सदा, एक सहाबी ने कहा हजरत आए हैं उमर बदले हुए हैं नवर, नंगी तलवार देगे दो धार, बोले सरकार जहां उनको आने दो यहां, पास जो पहुंचे उमर बढ़िया खापे देखा जो नूरे नबी हाथ से देगी, बोले सरकार उमर कैसे आए हो कहो कुछ तो तुम मुझे कहो, कुछ भी वो कह ना सके गिर गए शर्म से वो, पड़ गए नरम से वो, पड़ गए नरम से वो, और वो आगे बढ़े कलमाए दीन पढ़े, वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए, वो मुसलमान हुए अहले ईमान हुए। तो हजरत उमर ने सब सुहावा से क्या कहा, समय समाप्त करें। उठा दुआ के लिए जज़ाक अल्लाह, उठाओ हाथ दुआ के लिए जज़ाक अल्लाह, और कबूल में किया किया।
बोले बोले बिलाल मेरी अदा में मजा नहीं, बोले बिलाल